भाई आज हम आए हैं ये अंकल के पास, और ये अंकल जो है अशोक भाई राणा, जो बहुत जूने और बहुत ही उम्र से और बहुत सालों से ये शौक करते हैं, जो आप देख सकते हैं मुर्गी का शौक करते हैं। इनके पास डॉग है जो देसी है, अपना देसी डॉग है। और जो पैरोट है अपने देसी जंगली बोलते हैं, वो पैरोट इनके घर पे बहुत तादाद में खाने पीने के लिए आते हैं, और ये इनके बच्चों की तरह उन्हें दाना पानी करते हैं। इनके पास कबूतर भी है बहुत, शाम को अभी ये बूम लगाएंगे तो मोर भी आएगा। इनके पास एक तोता जो पोपट बोलते हैं, वो ऐसा इन्होंने ट्रेन किया है हैंडटेम देसी पोपट को, जो वो इनके खभे पे आके बैठता है, हाथ पे आके बैठता है, घर में घूमता है फिरता है, खाता पीता है हाथ से, और जाता है ऊपर बैठता है, हर बाजू फिर के वापिस आता है इनके घर पे। ये इनका बहुत बड़ा शौक है और उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं। और अशोक काका क्या कहोगे तुम के कितने साल से शौक करते हो? अरे शौक लगभग हमारा बाप दादा का, हमारा फादर था, फादर पछी मने शौक थे, मने पछी मारा छोकरा ने शौक थे, बराबर परंपरा हमारी चालू परंपरा, ये पीढ़ी पीढ़ियों से इनका शौक चलता आ रहा है। ये बोलते हैं इनके पापा को शौक था और उनके भी पापा को शौक था, यानी इनके बाप दादा शौक करते थे, अभी ये शौक करते हैं और इनके लड़का भी शौक करता है, बराबर। और ये आप देख सकते हैं, और ये इनका गार्डन एरिया है, यहाँ पे इनके सब जानवर फिरते हैं, खाते पीते हैं। और आज मैं कहना चाहूँगा, अगर बंदे कोई भी शौक करो तो दिल से करो, ये सब चीज़ शौक की है, ठीक है। ये अंकल जो शौक करते हैं तो आज इतने बरसों से शौक करते हैं, तो वो बच्चों की तरह पालते हैं, तो कोई भी जानवर पालो तो उनको बच्चों की तरह पालो मेरे दोस्त। ये क्या है, क्या आप शौक कर सकते हैं? और शौक करो तो ऐसा करो कि जिससे आप उनको टाइम दो, टाइम नहीं दे सकते हो तो फिर शौक करना बेकार है आपके लिए, ठीक है, ओके मेरे दोस्त। ये जो मुर्गी है, मुर्गी को आप क्या दाना पानी डालते हो? अब सब बाजरी है, ज्वार है, गेहूँ है, सब डालते हैं, बाजरी ज्वार गेहूँ सब। और तोतों को ये जो पैरोट है, पैरोट के लिए भी ये सब आते हैं, ऊपर खाते हैं अमली के, और नीचे भी आते हैं, और जो सब इसको डालते हैं उसके साथ वो भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, यानी कि मुर्गी भी वही खाती है, कबूतर भी वही खाता है, तोता भी वही खाता है, बराबर। और ये इसको आपने बड़ा तो बच्चा था, छोटा बच्चा था जब से हमारा फैमिली रिंग भाई, ये जो आप देख रहे हो इसको इन्होंने छोटे बच्चे से बड़ा किया हुआ है, बराबर। और ये इनकी पूरी फैमिली ये जानवरों के पीछे एकदम यूँ दिल से तत्पर रहेंगे, और ये दाना पानी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। गार्डन एरिया का इनका व्यू दो भाई, मैं बुलाना चाहूंगा अंकल के लड़के को जो दीक्षित भाई नाम है, आइए दीक्षित भाई, और आप बताइए कि आप कैसे शौक करते हैं, कैसा क्या है? मेरे पास बहुत समय से मैं कबूतर का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मेरे पास आज भी 24 कबूतर है, और मुर्गे का शौक मेरे पापा को भी था और मुझे भी है, बराबर। मेरी जितनी उम्र है उतनी उस तोते की उम्र है, 18 साल से हमारा तोता, वो तो एकदम छोटा बच्चा था तब से हमारे पास है, और आज भी मेरे पास ही है, और शाम को दिन को कभी भी जब भी उसको भूख लगी है वो हमारे पास में आके ही खाता है। अच्छा, मैंने सुना अभी मेरे बड़े भाई जो आपके घर पे आए थे तो वो यूँ बोल रहे थे कि आपका तोता पालने का बहुत शौकीन है, तो उसको पालने बहुत भाई। इनका जो तोता है वो 18 साल, यानी इनकी ये भाई की उम्र हो गई,
और ये बोलते हैं कि जब वो तोते को इनकी उम्र का है, वो बचपन से बड़ा किया हुआ है और हाल भी वो मौजूद है, अभी वो आएगा, वो अभी घूमने गया है, क्योंकि उसको ये कैद नहीं करते हैं, ठीक है, कैद नहीं करते, लेकिन वो आता है, खबे पे बैठता है, खाता है, पीता है, रहता है और ऊपर बैठता है, घर में फिरता है, तो इसको बोलते हैं शौक। दीक्षित भाई बहुत बढ़िया, आपने उसको ट्रेन कैसे किया है, वो क्या करता है, ऐसा क्या खिलाया है आपने कि जो वो आपका घर नहीं जाता, आपको आपके घर को छोड़ के नहीं जाता है? कुछ नहीं, वो तो मैं तब भी छोटा था, मुझे नहीं पता है, वो पापा को पता है जितना छोटे। अंकल आप बताइए कि आपने उसको ऐसा तो क्या खिलाया कि वो आपकी मोहब्बत है, वो आपका एक जुनून है कि वो आपके घर को और आपकी मोहब्बत को देख के वो आपका घर छोड़ के जाना नहीं चाहता, ऐसा ही हुआ ना? वही है ना, हमारे साथ उसका मिलाप हो गया, मिलाप हो गया है भाई, हमारे घर से सब फैमिली, हमारी बेटी, फैमिली में हमारी लड़की, हमारा बच्चा, लड़का उसके साथ अच्छा दिन बैठा रहता, अभी आएगा, खाना वाना खाएगा। बहुत बढ़िया अंकल, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही शौक करते रहो, हमारे को भी ऐसा शौक करने मिला, बहुत अच्छा लगा। दीक्षित भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी कि जो आज तुमने तुम्हारे घर पे हमारे को बुलाया, हमारा इज्जत बख्शी और ये शौक कराया, और बहुत बेहतरीन है, ऐसे शौक करते रहना चाहिए भाई, क्योंकि इंसान को कोई भी एक शौक होना चाहिए, लेकिन मेरे अंकल को मुर्गी का भी शौक है, तोतों का भी शौक है, कबूतर का भी शौक है, और ये बोलते हैं कि जो अपने जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी अभी आएंगे, वो भी यहाँ पे इनके घर पे दाना पानी करने आते ही है। तकरीबन कितने मोर आते हैं? लगभग 6-7-8 मोर जो है वो इनके घर पे दाना पानी करने आते हैं, डेली आते हैं, डेली आते हैं इनके घर पे दाना पानी करने। तो हमारी चैनल पे आपको देखने मिलेगा इंशाल्लाह, मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल का नाम गुजरात पिजन मास्टर है, ओके, अल्लाह हाफिज़। देखो मेरे दोस्त, ये हमारे दीक्षित भाई हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पालने का शौकीन है इनका पोपट, जो तोता है वो पालने सिवा खाता नहीं है, ये आप देख सकते हैं इनके तोते को, देखो ये पालने का बिस्किट है इसके पास, और इसको पार्ले जी बहुत पसंद है, और मैं कहना चाहूँगा पार्ले जी कंपनी को कि इसके नाम पे कुछ कोई होना चाहिए यार, ये देखो पार्ले तोता प्रोडक्ट कोई बनाए जिस पे ये तोते का फोटो आना चाहिए, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको, और ये पार्ले जी कंपनी का बिस्किट खा रहा है, और हमारे दीक्षित भाई अभी इनके तोते को हाथ पे लेंगे, ये देखो ये बिस्किट खा रहा है, और ये दीक्षित भाई है, ये इतना ट्रेनिंग है, देखें ये राइस खा रहा है, जो चावल बोलते हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तोता है, और ये देखें, अब शौक करें तो दोस्तों ऐसा शौक करें, ये आजाद पंछी को ऐसा ट्रेन किया है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देख के, और पूरी फैमिली इनकी ऐसी है जो जानवरों के पीछे बहुत मेहनत करती है, आप देख सकते हैं ये दीक्षित भाई का शौक देखें, देखो ये इस तरीके से सब देसी है इनके पास, ये डॉग है ये भी देसी है, तोता है वो भी देसी है, कबूतर है वो भी देसी है, सब देसी का शौक किया है, और इसका नाम क्या रखा है भाई आपने? कालू, कालू नाम रखा है, और साथ में इनके दोस्त भी खड़े हैं दीक्षित भाई के, आकाश भाई, और दोनों साथ में कॉलेज करते हैं, बहुत अच्छा लगा देख के, थैंक यू दीक्षित भाई, वेलकम वेलकम।